बिहार के बेताज बादशाह है नीतीश कुमार। 17 साल से लगातार बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आठवीं बार वो मुख्यमंत्री बने 2022 में गठबंधन के साथ मिलकर, महागठबंधन के साथ मिलकर। इससे पहले वो बीजेपी के साथ थे। 2010 के बाद से ही वो लगातार अपने मन के हिसाब से पाला बदलते, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी महागठबंधन में वापस आते हैं, फिर कभी बीजेपी में जाते हैं और फिर कभी महागठबंधन में वापस आते हैं। और इसी के चक्कर में जब आखिरी बार महागठबंधन के साथ बिहार की सत्ता में वापस आए और उसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस का जो उन्होंने शुरुआत किया सबको मिलाने का गठबंधन में, उसके बाद कई तरह के कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लेंगे, वो फिर से एनडीए के खेमे में चले जाएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने बिहार से जाति जनगणना के आंकड़े निकाल कर जारी करके ये संदेश दे दिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन में ही रहने वाले हैं। और इसके क्या सबूत है ये भी हम आपको बताते हैं। अब जानकार मानते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो बिहार के जाति जनगणना आंकड़ों के जरिए ना सिर्फ एनडीए को साध रहे हैं बल्कि एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि 2024 से पहले कई दलों ने जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज करने की बात कही है, मांग की है और एक ही चुनावी मुद्दा सालों से रहा है। राहुल गांधी ने भी स्पेशल सेशन में, जब अभी नई संसद में हुआ था तब भी राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पास करते वक्त ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि आंकड़े पेश करने होंगे। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां पर जाति जनगणना करवाई गई और उसके आंकड़े भी पेश किए गए। अब नीतीश कुमार समझ लीजिए कि एक तरीके से वो सेंटर में आ गए हैं, क्योंकि वो इंडिया अलायंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल में आ गए हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया अलायंस को उन्होंने बनाने में मदद की, क्योंकि देखा जाए तो जब एनडीए से वो अलग होकर महागठबंधन के साथ आकर बिहार में सत्ता बनाने में कामयाब हुए दोबारा, उसके बाद उनका एक मिशन था, वो एक मिशन पर निकले। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की, केजरीवाल से मुलाकात की, साथ ही साथ तेलंगाना के बीआरएस नेता से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर उन्होंने सबको एक छाते के नीचे लाने का काम किया। पटना में सबसे पहली बैठक हुई जहां लगभग 14-15 दल शामिल हुए। सबको मिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया। संयोजक की जिम्मेदारी इसीलिए उनको दी जाने की बात कही जाती रही है। कहा यह भी जाता रहा है कि वो पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। जेडीयू आरजेडी के नेता लगातार ये मांग करते रहे कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है, लेकिन अब जातीय जनगणना के जरिए उन्होंने एक तीर छोड़ा है जो कि लग सकता है इंडिया गठबंधन में, जो कि वो कभी एनडीए में शायद नहीं कर पाते। क्योंकि अगर एनडीए में रहते तो केंद्र की राजनीति उनके लिए आसान नहीं होती। एनडीए में बहुत बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं नरेंद्र मोदी के अलावा भी, लेकिन इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के अलावा अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत दावेदार नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार को कई बार लोगों ने ये बोला है कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारी भी साबित कर दी है ये जाति जनगणना के आंकड़े पेश करके। तो इस तरीके से उनकी दावेदारी और मजबूत होने के चांसेस है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन उन्हें ही प्रधानमंत्री के लिए आगे नॉमिनेट करे या संयोजक बनाया जाए। आगे कई मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की, तो ये तो देखने वाली बात है कि आगे गठबंधन की तरफ से क्या फैसला आएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार अपना फायदा देखकर बहुत बार राजनीति में कदम उठाते और पाला बदलते रहते हैं, लेकिन जानकार जो है, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, जो नीतीश कुमार को काफी अच्छे से जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुश्किल ही है कि वो पाला बदले, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद, मतलब लगातार जब आप कोई एक चीज करते हैं, पाला बदलते हैं, मतलब नीतीश कुमार के केस की बात करें तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता है। और ये बात उनको भी बताया कि अगर आप वो ऐसी चीज करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा, तो इसलिए अब कहा यह भी जा रहा है कि अब वो ऐसी चीज नहीं करेंगे। और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं और लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। इसकी एक मिसाल भी नीतीश कुमार ने पेश की, क्योंकि हाल ही में जेडीयू के एक एमएलसी है रणवीर नंदन, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। बताया गया कि उन्होंने नीतीश कुमार को यह सलाह दी थी कि वो वापस एनडीए में चले जाए, प्रधानमंत्री मोदी से मिल ले, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। एक तरीके से ये संदेश है कि वो अभी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और वो अपनी विश्वसनीयता नहीं खोने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।